बार आपका पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर हाजिर हूं। मैं हूं मनीष अवस्थी। क्या उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन से कुछ नहीं हो पाएगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ जहां पांच दिन बाद भी कमलेश तिवारी के कातिलों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, तो दूसरे हिंदू नेता अपनी जान को खतरा बताने लगे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर से कह दिया कि यूपी में कानून का राज नहीं बल्कि अराजकता है। साथ ही एनसीआरबी के आंकड़ों ने भी यूपी को आरोप प्रदेश बता दिया है। आज इन्हीं सवालों पर बहस होगी, मगर आप पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हिंदू नेता के कातिलों को नहीं ढूंढ पा रही यूपी पुलिस। यूपी में घूमते कातिलों से अब साध्वी प्राची की अपराध के मामले में यूपी को नंबर वन का तमगा। लखनऊ में दिन दहाड़े हिंदू नेता कमलेश तिवारी की हत्या के पांच दिन बाद यूपी पुलिस कई सवालों के कटघरे में खड़ी है। शुरुआत में पुलिस जिसे स्थानीय विवाद और रंजिश में हुई हत्या बता रही थी, उसकी साजिश के तार दुबई तक जुड़ गए। नागपुर और बिजनौर के कनेक्शन से मामला उलझता चला गया। शुरुआती तफ्तीश के बाद दावा ये कि शूटर्स की हायरिंग और ट्रेनिंग सूरत में हुई और वारदात को लखनऊ में अंजाम दिया गया। कत्ल के बाद हत्यारे बरेली और शाहजहांपुर में दिखे, जिनकी तलाश में संभल में भी छापेमारी की गई। सभी थाना क्षेत्रों में जितने होटल, ढाबा, सराय और रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और भीड़भाड़ वाले स्थान है, उन सभी पे इंटेंस चेकिंग की जा रही है। सभी जगह चेकिंग लगाया गया है। जितने होटल ढाबे हैं उनमें ठहरे हुए लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। उनके आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं। सभी को सैनिटाइज किया जा रहा है। सभी से जनसंवाद और रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और भीड़भाड़ वाले स्थान है, उन सभी पे इंटेंस चेकिंग की जा रही है। सभी जगह चेकिंग लगाया गया है। जितने होटल ढाबे हैं उनमें ठहरे हुए लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। उनके आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं। सभी को सैनिटाइज किया जा रहा है। सभी से जनसंवाद भी स्थापित किया जा रहा है कि किसी को कोई भी किसी तरीके की जानकारी हो पुलिस अवश्य करें। पांच दिन में अगर पुलिस कुछ तलाश पाई है तो वो है सिर्फ पांच वीडियो। इसके अलावा इश्तेहार निकालकर पुलिस ने आरोपी मोइनुद्दीन और अशफाक का पता बताने वालों को 2.5 लाख के इनाम का ऐलान भी किया है। शक ये है कि कातिल यूपी में ही छिपे बैठे हैं, मगर पुलिस के हाथ नहीं आ रहे, जिससे दूसरे हिंदू नेताओं को भी जान का डर सताने लगा है। हिंदू नेता साध्वी प्राची को पिछले महीने ही किसी अज्ञात शख्स ने जान से मारने की धमकी दी थी, जो कमलेश तिवारी की हत्या के बाद इतनी डरी हुई है कि अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से मुलाकात करने वाली है। बराबर धमकियां मिल रही है, बम से उड़ाने की धमकी मिली है। अगर राम मंदिर की बात साध्वी प्राची करेगी तो बम से उड़ा दिया जाएगा। मस्जिदों में ये फतवे जारी करते हैं, मदरसों में जो शिक्षा के पवित्र स्थान है वहां पर इनके हथियार मिलते हैं। इसलिए क्या कहूं मैं, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आह भी भरते हैं, हो जाते हैं बदनाम। यूपी में अपराधियों का खौफ इस बात से भी पता चलता है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के ताजा आंकड़े में भी यूपी नंबर वन बन चुका है। आंकड़ों के मुताबिक 2017 में उत्तर प्रदेश में अपराध की 56,011 मामले दर्ज हुए। सबसे ज्यादा 4,324 हत्याएं उत्तर प्रदेश में हुई। हत्या, बलात्कार, अपहरण में भी यूपी नंबर वन है। साइबर क्राइम और महिला अपराध में भी यूपी नंबर वन है। महिलाओं के अपराध में नंबर वन। जी मैम, जी मैम, जी मैम, और शर्मनाक है ये बात। और प्रदेश सरकार को कुछ करना चाहिए। 17 अक्टूबर को ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लगता है कि यूपी में जंगल राज है। और बुलंदशहर के जिस सर्वमंगला मंदिर विवाद मामले में कोर्ट ने टिप्पणी की थी, मंगलवार को उसी मामले की सुनवाई करते हुए ये कह दिया कि उत्तर प्रदेश में अराजकता है। क्या यहाँ प्रशासनिक आदेश के तहत कुछ भी हो सकता है? मतलब ये कि ना तो यूपी की कानून व्यवस्था पुलिस संभाल पा रही है और न ही प्रशासन कानून को लागू करा पा रहा है। सवाल है कि यूपी में है दम क्योंकि यहाँ अपराध है कम वाले दावे क्या यूं ही हवा हवाई साबित होंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मैं शपथ लेता हूं कि मैं प्रदेश को अपराध मुक्त करूंगा। ऑपरेशन क्लीन शुरू भी हुआ, एनकाउंटर भी हुए। एनकाउंटर के आंकड़ों ने नए कीर्तिमान स्थापित किए। पुलिस अपनी मुंह मियां मिट्ठू हुई,
पीठ थपथपाई गई, लेकिन अपराध का काउंटर नहीं हो सका। राज्य में अराजकता है, राज्य में जंगल राज है, ये मैं नहीं कह रहा, देश की सर्वोच्च अदालत कह रही है। जी हां, इसी बात को लेकर मचा है बवाल और मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। जी हां, देश का सवाल में चर्चा और बहस के लिए मेरे साथ मेहमानों का एक पैनल है। मेरे साथ स्टूडियो में निशांत वर्मा, जी हां तेज तर्रार तेवर इनके, लेकिन विचारधारा आप जानते हैं ये किस विचारधारा की बात करते हैं। मेरे साथ शशिकांत शर्मा साहब, जी हां विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं, आप भी जुड़ चुके हैं। मेरे साथ एके जैन साहब, आप पूर्व पुलिस महानिदेशक हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। गौरांग कान साहब, जी आप वरिष्ठ वकील हैं, आप भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल निशान जी आपसे, यूपी में जंगल राज और अराजकता है, ये सुप्रीम अदालत कह रही है। सवाल आपकी जगह मुझे पूछना चाहिए, आज भाजपा कहां है पैनल से, क्यों नहीं आ रही जवाब देने के लिए? आप परेशान ना हो निशान जी, नहीं, परेशान ना हो, वो भी परेशान है कि राजनीतिक जवाब देने के लिए उनकी यहां आवश्यकता है कि वो बताएं आकर के कि जब दूसरों के लिए वो जंगल राज और वगैरह की बातें करते थे तो योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्या तीर मारा हुआ है कुछ सालों में कि वहां पे खुद जो हिंदू लीडर्स अपने आप को बताते हैं, मैं उस तह में नहीं जाना चाहता क्योंकि वो व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो हिंदू लीडर अपने आप को बताते हैं उनके वीडियोज देखिए फेसबुक पे आज भी लाइव है पड़े हुए हैं कि जिसमें उन्होंने बताया कि मैं हिंदुओं के लिए क्या क्या करता था। आज उनकी ये हालत है, आज उनकी ये हालत है कि साध्वी प्राची जैसी फायर ब्रांड, फायर ब्रांड, आज मैं क्या कहूं, मतलब क्या कहूं, कुछ कहने लायक नहीं छोड़ा, ऐसी ऐसे ऐसे खराब हालात अपने दिखा रहे हैं कि आप किसी भगवाधारी नेता को फायर ब्रांड कह रहे हैं, आज आपकी तारीफ करनी होगी। निशान जी एक मिनट का वक्त दीजिए, मेरे साथ शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। शर्मा साहब, यूपी में जंगल राज, यूपी में अराजकता है, कातिल गली गली घूम रहे हैं लेकिन पकड़ से दूर। बड़े दुख की बात है, आज हमारे बीच में हमारे मिथिलेश, हमारे तिवारी जी नहीं रहे। हेलो जी, जी हेलो जी, सबसे पहले मैं कमलेश भैया को उनकी उनको श्रद्धांजलि देता हूं, आज वो हमारे बीच में नहीं है। हमने अपना बड़ा भाई खोया है, एक हिंदू लीडर खोया है जिन्होंने अपने धर्म के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। उनके ऊपर जिस तरह से हत्या हुई लखनऊ शहर के अंदर एकदम बीच चौराहे पे, मतलब शहर के बीचों बीच, इससे पूरा यह चीज समझ में आ रहा है कि कानून व्यवस्था, खास करके हम हिंदुओं के लिए तो कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं काफी कमजोर हो गई है। यानी आप ये मानते हैं यूपी में कुछ ठीक नहीं? नहीं, जब एक खुलेआम दिन दहाड़े अगर किसी कार्यकर्ता की हत्या होती तो हम कैसे यह कह सकते हैं कि वहां कानून व्यवस्था ठीक है। परसों मेरठ में वकील साहब की हत्या की गई है, इस तरह से आए दिन हिंदू कार्यकर्ताओं की हत्या, मैं इससे कहीं ना कहीं सरकार से यह कहना चाहूंगा कि नहीं, जिस उम्मीद से लोगों ने आपको चुना था कि एक भगवाधारी आएगा तो भगवा का सम्मान होगा, भगवाधारी आएगा तो भगवा की सुरक्षा बढ़ेगी, तो मुझे कहीं ना कहीं शशिकांत जी मुझे अच्छा लगता, शशिकांत जी मुझे अच्छा लगता, अच्छा होता अगर आप ये कहते कि प्रदेश में रहने वाले हर व्यक्ति की सुरक्षा भगवाधारी करता, न केवल ये कहते आप कि केवल हिंदुओं की सुरक्षा होती। शर्मा जी से मुखातिब हो सकते? नहीं, मैं हिंदुओं की बात, मैं इंसान की, इंसानियत की सुरक्षा, जब भी अभी भी जितने भी हमारे कार्यकर्ताओं की कार्यकर्ता शहीद हुए हैं, ये आपसी रंजिश है कि क्या है मुझे नहीं मालूम, किंतु कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं पूरी तरह से चरमरा गई है, इसके लिए मैं बोल रहा हूं, मुझे कोई शर्म नहीं है, कोई डर नहीं है। जी आपसे एक सवाल निशांत वर्मा जी कुछ पूछना चाहते हैं, निशांत जी फिर मुझे एके जैन साहब के पास जाना। शर्मा जी आपको थोड़ा सा वीडियोज देख लेने चाहिए जो खुद कमलेश तिवारी जी ने फेसबुक पे छोड़ रखे हैं मृत्यु से पहले, जिसमें उन्होंने योगी आदित्यनाथ तक पे आरोप लगाए हैं। क्या मैं आशा कर सकता हूं कि कल सुबह, आज तो नहीं, लखनऊ में विश्व हिंदू परिषद जाकर के योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा मांगेगी?
शशिकांत जी जरूर, ये खाली विश्व हिंदू परिषद की बात नहीं है न किसी और भजन दल की बात रही है, अपनी बात मैं यहाँ हिंदुत्व की बात कर रहा हूँ। यहाँ हर हिंदू का फर्ज होता है कि हमने अपना एक हिंदू, अपनी बात करिए ना, आप मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे। कमलेश तिवारी मैं उनकी तारीफ कभी नहीं करूंगा, पर क्योंकि आपने उनको भैया कहा तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हिंदुओं का नरसंहार कराने वाली योगी आदित्यनाथ की सरकार का आप इस्तीफा मांगेंगे या नहीं मांगेंगे। मैंने यही कहा है कि कहीं ना कहीं सरकार इसमें दोषी है। अरे बोलिए ना यार, मुंह से बोलिए आदित्यनाथ, डाउन विद आदित्यनाथ, बोलिए आदित्यनाथ, कुर्सी छोड़ो, बोलिए मुंह से बोलिए। ये क्या गोल गोल जलेबी घुमा रहे हैं, वीएचपी के हैं भाई। हमने ये मुंह से बोलिए, उतरो कुर्सी से। कहने पे मैं ये नहीं कहूंगा कि योगी आदित्यनाथ आप कुर्सी छोड़ो, वहां की कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं खराब है। शशिकांत जी आपकी बाध्यताएं हैं मैं समझता हूँ, शशिकांत जी आपकी बाध्यताएं हैं मैं भी समझता हूँ। इस बीच हमारे साथ एके जैन साहब जी हैं, पूर्व पुलिस महानिदेशक हैं वो भी जुड़े हुए हैं, और गौरांग कांत साहब जी हैं कानून के जानकार वो भी है। जैन साहब, जैन साहब, ये कैसा उत्तम प्रदेश हो सकता है जहां पर इंसान महफूज नहीं, इंसानियत महफूज नहीं, पुलिस हाथ पे हाथ धरे है, और एक कमलेश तिवारी के आप ये समझिए कि आईएसआईएस से कैसे संबंध हो सकते हैं, पुलिस ने इतने जल्दी कैसे ये सारी बातें स्थापित कर ली। जैन साहब, देखिए जो भी हत्या राजधानी में हुई है, कमलेश तिवारी जी की जो बात हो रही है ये दुर्भाग्यपूर्ण है, हत्या नहीं होनी चाहिए थी। जो पुलिस की कार्रवाई है उसके बाद से स्वाभाविक है कि शुरू शुरू में एक अंधेरे में इन्वेस्टिगेशन होता है। कभी सीतापुर की रंजिश सामने आ रही थी, कभी कोई और इश्यूज उसमें आ रहे थे उठकर, बाद में पता चला जब वो सूरत का मिठाई का डिब्बा मिला और बाकी सब चीजें देखी गई। देखिए ये सामान्य मर्डर नहीं कहा जा सकता है। ये 2015 के वक्तव्य को लेकर जो इनका वक्तव्य था कमलेश तिवारी जी का, जी ईश निंदा से संबंधित, उसको लेकर कहते हैं हत्या की गई है। 2015 को लेकर 2019 में हत्या क्यों की गई, इसके ऊपर जरूर गंभीरता से प्रदेश सरकार को और केंद्र की सरकार को और जो वहां की एजेंसीज हैं हमारी, चाहे वो आईबी है चाहे वो एनआईए है, उनको अवश्य विचार करना चाहिए कि ये इस समय क्यों कराया गया। आने वाला समय उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, अयोध्या पर भी वर्डिक्ट आने वाला है, ऐसे में माहौल खराब करने की साजिश तो नहीं है। मैं इस बात से सहमत हूं कि इन्होंने जिस प्रकार से क्लूज पीछे छोड़े हैं, जिस प्रकार से होटल में इन्होंने जो नाम लिखे हैं, जो वहां पे कपड़े छोड़कर गए हैं, क्लूज छोड़कर गए हैं, इससे ऐसा लगता है कि इसको वो बड़ी पब्लिसिटी देना चाहते थे। और ये एक वेल प्रिपेयर्ड मॉड्यूल है जिसको पूरे को इनको बस्ट करना चाहिए, गुजरात की पुलिस से मिलकर, वहां की एटीएस से मिलकर, महाराष्ट्र की पुलिस से मिलकर, वहां के एटीएस से मिलकर, जी, और भी जो जो इसमें इन्वॉल्व हो, जिसमें चाहे इसमें एनआईए की मदद लेनी पड़े, चाहे जिसकी मदद लेनी पड़े, इसमें इसकी पूरी तह तक जाकर, इसकी जड़ तक जाकर इसमें बड़ी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले कुछ दिनों में बड़े सार्थक परिणाम सामने आएंगे। जैन साहब, अभी तक जितने वीडियो सामने आए हैं उससे अंदेशा और जांच की जो सुई है वो ये बताती है कि कातिल कहीं ना कहीं यूपी में है। सवाल ये, आप यूपी के सबसे बड़े पद पर पुलिस के आप मुखिया रहे हैं, आप एक बात बताएं, गुजरात पुलिस सारी बातों का पता लगा लेती है लेकिन यूपी पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी है। नहीं नहीं, देखिए ऐसा है क्योंकि गुजरात से कनेक्टेड हैं, यहीं की पुलिस ने वहां पर इन्फॉर्म किया, सारी सूचनाएं उनको दी, सीसीटीवी की फुटेज उनको भेजी, वहां की एटीएस से शेयर की, सूरत की मिठाई की दुकान से उसके क्लूज मिलने शुरू हुए, उस वहां से वो केस जो है वर्कआउट हुआ, उसमें कौन मिठाई का डिब्बा खरीदने गए थे, किन्होंने भगवा वस्त्र खरीदे, कौन कौन वहां पर ट्रेन से चले, ये बात जो है। जैन साहब, एक छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगा, जैन साहब एक छोटा सा जवाब, जवाब ये, क्या खाकी पर खादी हावी होती है?
नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब कहने की बातें होती हैं। ऐसे इम्पोर्टेंट मर्डर्स के केसेस में इन सब चीजों का कोई लिहाज नहीं रखा जाता है। ये इन सब के सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये होती है कि उस घटना का सही अनावरण हो, दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। आप मानते हैं जैन साहब इन्वेस्टिगेशन जो है, जो तपास है, नेशनल सिक्योरिटी जो तपास है, वो सही दिशा में जा रही है जैन साहब? हाँ जी, बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। इसकी मॉनिटरिंग बहुत सी एजेंसीज कर रही हैं, मैं आपसे शेयर कर सकता हूं, और कई स्टेट्स की पुलिस इसमें सहयोग कर रही है यूपी पुलिस का, क्योंकि देखिए ये एक मॉड्यूल है जो गुजरात बेस्ड है। गुजरात एक बड़ा सेंसिटिव प्रोविंस है, सूरत बेस्ड है, नागपुर बेस्ड है, कुछ लोग बिजनौर से भी कनेक्शन हो सकता है, बाहर से भी कनेक्शन हो सकता है, इसलिए इसकी इसकी तह तक जाना नितांत आवश्यक है। जाहिर सी बात है, आपके जितने बड़े वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं यूपी के, कभी आपके जूनियर्स रहे होंगे जैन साहब। इस बीच निशांत वर्मा जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपको जवाब मिल गया। गौरांग साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। निशांत वर्मा, एक छोटा सा सवाल। देखिए जैन साहब, दो हाथ हैं दोनों जोड़ के, मैं पहली बात तो ये डिफर करता हूं कि आप पूर्व डीजीपी होकर के कमलेश तिवारी के आगे जी लगाएं, क्योंकि उसका बैकग्राउंड पुलिस से ज्यादा और कौन बेहतर जानता है, लेकिन उसकी तह में मैं नहीं जाना चाहूंगा, ये मेरा अपना ओपिनियन है। दूसरी बात, आपने खुद ने कहा आप तिल का ताड़ ना बनाए, मैं आगे बोल रहा हूँ, आप हर छोटी चीज का तिल का ताड़ बना लेते हैं। मैं छोटी बात, उन्होंने मैं ताड़ दिखाता हूँ आपको, उसमें भी आप राय का पहाड़ बना लेते हैं। कल को जाकिर नायक को जी बोलेंगे क्या हम लोग? बोलेंगे जी, आप ही के पार्टी के नेताओं ने पार्टी कही जी, पार्टी पार्टी नहीं करी है यहाँ पे, यहाँ पार्टी वार्टी कुछ नहीं, ना मैं किसी पार्टी का हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कल को जाकिर नायक को जी बोलेंगे। पहली बात, दूसरी बात ये कि जैसा कि जैन साहब ने कितना सफाई से समझाया हमको, और हमें समझ में भी आया कि ये वेल प्लॉटेड चीज है, तो वेल प्लॉटेड चीज में सूरत का मिठाई का डिब्बा वगैरह, सर वी ऑल हैव बीन लुकिंग इनटू सेवरल टाइप ऑफ केसेस, ये इतना भी सिंपल नहीं है कि इसको बना दिया गया, क्योंकि 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 सारी की सारी सर्वोच्च अदालत की सारी की सारी सुइयां भाजपा पे जाती हैं, जो खुद इसके अंदर कमलेश तिवारी उनकी माताश्री ने जो कुछ कहा है, अब उसको ढांकने के लिए आप सूरत जाओ, अदालत की सारी की सारी सुइयां भाजपा पे जाती हैं, जो खुद इसके अंदर कमलेश तिवारी उनकी माताश्री ने जो कुछ कहा है, अब उसको ढांकने के लिए आप सूरत जाओ, चाहे होनुलुलू जाओ, अरे जांच की बात ना करिए, दूध का दूध पानी का पानी हो, कुछ नहीं होगा। जैन साहब, जब खुद शासक इन्वॉल्व है तो उसके नीचे की जांच करने वाले क्या होनुलुलू ले जाएंगे हमको? जैन साहब, जी आपका जवाब। हाँ पूछिए साहब। जी निशान जी ने जो सवाल खड़े किए उस पर आपका जवाब। देखिए मृतक हर मृतक का नाम श्रद्धा से लिया जाता है। मैं बहुत सी चीजों से सहमत नहीं होता हूं। मैं कोई कमलेश तिवारी का या ऐसे उलझलूल बयान देने वालों का मैं हिमायती नहीं हूं। उसकी सजा उनको मिली थी, वो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में जेल में निरुद्ध किए गए थे। जी जी, वो सब बातें अपनी जगह है। मतलब अब इस समय हमारे समक्ष जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो ये मुद्दा है याकूब मेमन जी बोल सकते हैं, आई थिंक उसने मारा, जिन्होंने बोलने दीजिए ना, आप तो बोलने नहीं, तो चुप रहेंगे अब तो। किन्होंने मारा और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। जैन साहब, मैं आपके पास आऊंगा। सुप्रीम कोर्ट गौरांग कांत साहब देख चुके, गौरांग कांत साहब वरिष्ठ वकील, गौरांग साहब सर्वोच्च अदालत की ऐसी टिप्पणी, मुझे ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश में अब उत्तर प्रदेश सरकार को, योगी सरकार को आत्मचिंतन की जरूरत दिखाई देती है। जी अभी कुछ मामलों में डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी दिया है वो सरकार के काफी खिलाफ है। कोर्ट इस चीज से बिल्कुल खुश नहीं रही है कि जिस तरीके से यूपी में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन चल रहा है और जिस तरीके से कोर्ट में उनका रिप्रेजेंटेशन हो रहा है उस पर डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट की कुछ टिप्पणियां आई हैं। बट ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो यूपी का है ये पहले भी रहा है, आज भी है। जहां तक मामलाओं का सवाल उठता है, ये एक मर्डर केस है जिसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है
और ये अपने डायरेक्शन से चल रहा है। जहां तक कि बाकी एजेंसियों का सवाल है, जो आईबी है, जो बाकी एजेंसियां हैं, जिनको जो भी अपनी टिप्पणी देनी है इस केस में वो दे रहे हैं, और मुझे लगता है जरूर यूपी सरकार इस केस को भी सॉल्व कर पाएगी। बट इसका ये कहना कि यूपी पहले बहुत अच्छा था, अब बहुत खराब हो गया है, हम तो देख रहे हैं जब से यूपी चल रहा है, पहले भी ऐसे ही चल रहा था, आज भी ऐसे ही चल रहा है, और डेफिनेटली लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इम्प्रूव करना चाहिए। ये जो सारे इंसिडेंट हो रहे हैं इनको बिल्कुल कम करना चाहिए। गौरांग साहब, सब कुछ पहले जैसा चल रहा था और अगर आज भी वैसा ही चल रहा है तो वो दावे खोखले साबित हो जाते हैं जो सरकारें क्लेम करती हैं। तो सरकारें जो कहती हैं वो करती नहीं, वो होता नहीं। और अराजकता, अराजकता एक शब्द ऐसा है जो टिप्पणी अगर देश की सर्वोच्च अदालत कर रही है तो मुझे ऐसा लगता है सरकार में आत्मचिंतन की तुरंत जरूरत है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, सरकार में आत्मचिंतन की बिल्कुल जरूरत है। अगर ये उच्च न्यायालय ऐसी टिप्पणी कर रही है तो सरकार को कहीं ना कहीं बैठ के इस चीज को सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है और किस तरीके से इस चीज को इंप्रूव किया जा सकता है। बिकॉज ये टिप्पणियां कोई अच्छी चीज नहीं है, ये बहुत ही चिंता का विषय है सरकार के लिए और सरकार को इसके बारे में विचार विमर्श करना चाहिए। जी गौरांग साहब, निशान जी, ये आप क्या वीडियो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपके हाथ में क्या है? कुछ अगर भड़काने वाला हो तो ऐसा कोई वीडियो ना दिखाएं। निशान जी, पहले मैंने सोचा था निशान जी मैंने कोई भी भड़काऊ लेकिन मुझे बोलने दीजिए, नहीं दिखाया जाएगा, मुझे बोलने दीजिए, मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं वो काम नहीं करूंगा जो कमलेश तिवारी करते थे। मैं ये वीडियो अभी प्ले कर सकता हूं, इसका ऑडियो भी इतना है कि पूरा देश देख सकता है। एक कोई वहां पे सरस्वती महंत है जो कमलेश की माता श्री के साथ खड़े होकर के, पूरा 6 मिनट का वीडियो है, एक एक मुसलमान को इस देश में करने की बात कर रहे हैं? नहीं, इस तरह ये, कोई भी ये वहां की लॉ एंड ऑर्डर है, ये वहां की मैं नहीं प्ले करूंगा। मैं नहीं प्ले करूंगा, आग्रह करता हूं यहां सौहार्द ना बिगाड़ा जाए। क्या इस तरह के हजारों वीडियो सोशल मीडिया पर, आज सर्वोच्च अदालत ने सोशल मीडिया को लेकर सर्वोच्च अदालत ने दिशा निर्देश भी दिए, पुलिस क्या कर रही है इस तरह के किसी भी वीडियो की इजाजत आपको इस शो में नहीं है, आपको इस शो में नहीं है निशान जी, आपको इस शो में नहीं है ये इजाजत। जी हाँ शर्मा साहब, वो में नहीं है उनको वहां पे, शर्मा साहब आवाज आ रही है आपको? कमलेश तिवारी के अलावा साध्वी प्राची ने भी ये जाहिर किया है कि उनकी जान को खतरा है। शर्मा जी, शर्मा जी आपको आवाज आ रही है? जी हाँ, आज भी हाँ, उनका इंटरव्यू आया है। जी आवाज आ रही है, उनका आज भी इंटरव्यू है, उन्होंने ये कहा है कि हाँ मुझे धमकी दी जा रही है, खुले राम धमकी दी जा रही है कि अगर तुम राम मंदिर के बारे में बात करोगे तो हम तुम्हें बम से उड़ा देंगे। झूठ बोल रही है, इस तरह की धमकियां साध्वी प्राची जी को भी मिल रही है। झूठ बोल रही है वो, एक हफ्ता पहले आई धमकी, आज तक चुप क्यों बैठी थी वो? उनको धमकियां मिल रही है। अरे भाई, उनका खुद का वक्तव्य है कि एक हफ्ता पहले कुछ लोग आश्रम में आए और पूछ रहे थे, एक हफ्ता चुप क्यों बैठी रही, क्यों बैठी रही एक हफ्ता चुप? निशान जी आप जो कह रहे थे जैसा ही मेरा कार्यक्रम शुरू हुआ, आपने कहा बीजेपी कहां है, स्क्रीन पर देखिए आरपी सिंह मौजूद हैं और आपके तमाम सवालों के जवाब वो देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। पहले कमलेश तिवारी की हत्या के बाद अपनी जान को खतरा बता रही साध्वी प्राची ने फतवा देने वाले मौलानाओं पर सवाल उठाए हैं। प्राची ने कहा कि फतवे के चलते कमलेश तिवारी की हत्या की गई, जिसके खिलाफ कड़े कानून बनाने चाहिए क्योंकि हिंदुस्तान को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश हो रही है। और वो लोग जो दिन पर दिन हत्या कर रहे लगातार, वो गजवाए हिंद बनाने में, इसीलिए समस्या यहां से पैदा हो रही है। ये जो फतवे जारी होते हैं ना, बिजनौर के मौलवी ने फतवा जारी किया था कमलेश की कलम करके लाओ गर्दन 51 लाख रुपए मिलेंगे, ये उसी का परिणाम हो रहा है। ये लोग इस्लामिक स्टेट बनाने वाले लोग, लोगों की जो मानसिकता है वो लोग है, और ये जेहादी हिंदुस्तान में सुख शांति अमन चैन नहीं होने देंगे। बल्कि मैं तो मोदी जी से कहूंगी, मोदी जी कश्मीर के हालात आपने सुधार दिए, उत्तर प्रदेश में इन जेहादियों पर नकेल डालने के लिए
फतवे जारी करने वालों के खिलाफ आप कदम उठाइए। जी हां, ब्रेक के पहले निशांत वर्मा अशांत थे। जी हां, अशांत इसलिए कि बीजेपी का प्रवक्ता दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अब आरपी सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी जी, आपने देखा कमलेश तिवारी का एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने कहा कि उनको सरकार से सुरक्षा नहीं मुहैया कराई गई। अब आपने साध्वी प्राची को सुना और आप ये कहें कि सरकार लगन और निष्ठा से काम कर रही है, और इतना ही नहीं तो सुप्रीम अदालत टिप्पणी कर रही है, मुझे ऐसा लगता है आत्मचिंतन की जरूरत है। देखिए, ये जो घटना हुई जितनी निंदा करी जाए उतनी कम है, और खास करके कमलेश तिवारी के साथ जो हुआ और जिस ढंग से प्लान किया गया उस पर पुलिस उसमें जो कार्रवाई की सख्ती कर रही है अपनी तरफ से, परंतु जिस ढंग से प्लान किया गया किस प्रकार से अपने आईडी कार्ड बदले गए, किस प्रकार अपने नाम बदले गए, किस प्रकार अपनी वेशभूषा बदली गई, वो सब एक सोचा समझा, और ये नहीं कि कोई छह महीने साल भर में हुआ। पुलिस उसमें जो कार्रवाई की सख्ती कर रही है अपनी तरफ से, परंतु जिस ढंग से प्लान किया गया किस प्रकार से अपने आईडी कार्ड बदले गए, किस प्रकार अपने नाम बदले गए, किस प्रकार अपनी वेशभूषा बदली गई, वो सब एक सोचा समझा, और ये नहीं कि कोई छह महीने साल भर में हुआ। ये एक सोचे समझे ढंग से और उकसाए में कराया गया, और उस पर लोगों को अभी जो जानकारियां आएंगी जो आपके सामने, कि लोगों को उस पर लालच था कि हम ये करेंगे तो हमें पैसे तो मिलेंगे हमारे परिवार को, हमें आगे जन्नत मिलेगी। जिहाद के नाम पर कराया गया, ये इसलिए कराया गया कि हिंदुस्तान जी, उन्होंने कहा था आप ही की सरकार ने उनकी सुरक्षा वापस ले ली थी, आप ही की सरकार ने उनकी सुरक्षा वापस ले ली थी, जान को खतरा था, तमाम उनको धमकियां आ रही थी, एक होमगार्ड दिया गया वो भी लाठी के साथ। मैं बताता हूं ऐसा होता है कि समय समय पर अलग अलग लोगों की क्या जांच, क्या क्या सुरक्षा की जरूरत है उसके हिसाब से वहां की जो एजेंसीज हैं सरकार की उसको उसका ये बिना होमवर्क करने आप बात क्यों करने आ जाते हैं देश को गुमराह करने के लिए? आपने उनके वीडियोस देखे, उन्होंने एक एक दिन आपके वीडियो छोड़े, योगी आदित्यनाथ के ऊपर एक एक आरोप मढ़ा है कि इस आदमी ने मेरी सिक्योरिटी हटा के मेरी जान जोखिम में डालने की कोशिश करी। इन्होंने योगी आदित्यनाथ और भाजपा के लिए कहा, कमलेश तिवारी ने, कि ये भाजपा वो पार्टी है जो मुझे मारना चाहती है, आप उनकी माता ने कहा आप कोर्ट जस्टिफाई करने वाले, अरे आरपी सिंह आप जस्टिफाई करने वाले कौन है? उनकी माता जी कहती है कि आपने मरवाया, वो खुद अपने वीडियो में कहते कि भाजपा ने मरवाने की कोशिश करी है, आपका दिवालिया बन देखिए योगी आदित्यनाथ को कुर्सी उसे उतारने के बजाय सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद, अरे आपको उसको कुर्सी से उतारना चाहिए कि ये कैसी नालायक सरकार है, इसको कुर्सी से हटाओ। ममता बनर्जी के पीछे घोड़ा लेके चढ़ जाते हो, अपने योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से कब उतारोगे? आज ये बताओ, उत्तर प्रदेश को आतंक प्रदेश बना के छोड़ रहा है। जवाब भी तो ले लीजिए, क्या जवाब देंगे? आदित्यनाथ को जवाब देने दीजिए, जवाब बोलने की तभी सीखे मैंने, आप सरकार चलाने की तभी सीखिए, हमको बोलने की मत सिखाइए, आप सरकार चलाने की तभी सीखिए, समझे? हमें तभी मत सिखाइए, भारत के लोगों को तभी मत सिखाइए, आप राजनीतिक तभी सीखिए। जो आदमी आपको मर्डर कहके पार्टी की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ते हैं, आप जिस पार्टी की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ते हैं, कितनी अच्छी सरकार थी ये जनता ने बता दिया। आप जवाब लेने दीजिए, जवाब लेने दीजिए, जवाब लेने दीजिए। पहले आदित्यनाथ को अरेस्ट करो, उसका नाम डाइंग डिक्लेरेशन समान उसके वीडियो में है। निशान जी वो क्यों नहीं करते हो? सरकार चलाने की तमीज नहीं और हिंदुस्तान को तमीज सिखाने चले। निशान जी, आपके तमाम सवालों को मैं आरपी जी के सामने रखता हूँ। आरपी जी, अरे वो बदतमीज आदमी, बात करने की तमीज सीखो पहले, थोड़ा मुंह टेढ़ा मेढ़ा मत करो। हो गया, बस इतना ही। आप रुकिए, आरपी जी बस इतना ही, चलो आदित्यनाथ को पहले नीचे उतारो। हो गया ना, मैं बदतमीज हूं, चल ठीक है, लेकिन आदित्यनाथ को नीचे उतारो, उसका नाम डाइंग डिक्लेरेशन समान कमलेश तिवारी के वीडियो में करके दिखाओ। अरे यार, अरे अरे ढंग से बोलना सीखो, अरे अरे गला खराब हो रहा है, इतना मत चीखो, गला खराब हो जाएगा। हो गया,
आप उनका जवाब तो लीजिए। सवाल दाग रहे, ये भी गलत है, ये लोकतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र नहीं है। निशान जी, मेरे देश के सवाल में ये नहीं चलेगा। इनके लिए कुछ भी बोल दो तो पंख फड़फड़ाने लगते। आरपी जी, मेरा सवाल है आपसे, आप मायावती के राज में कहते थे तानाशाह का राज है, अखिलेश का राज आया, गुंडा राज कह दिए, आपके राज को तो सुप्रीम अदालत ने कह दिया अराजकता है, जंगल राज है, क्या जवाब है आपके पास? मत बोलिए, अदालत को पाकिस्तानी बोल देंगे, ये तो ऐसे भाजपा वाले हैं। आप जवाब तो देने दीजिए। क्या जवाब देंगे? जवाब देने दीजिए आप। अरे सुनो भैया, फिर शुरू हो गए, अरे फिर शुरू हो गए ना, फिर बदतमीजी शुरू हो गए। अच्छा बोलो, आदित्यनाथ को कब उतारे? देखिए बड़ा स्पष्ट है, हर समय समय पर समय गला। अरे आप अपना बताओ ना, तुमने राहुल गांधी को उतार दिया क्या है? सोनिया गांधी को उतार दिया क्या? क्यों बढ़ा दिया सोनिया गांधी को वहां पे? आदित्यनाथ को बोलने की तमीज नहीं? आदित्यनाथ को क्या होता है? निशान जी, बहुत अहम सवाल है जो मैंने आपकी से किया। छोड़ो आप, डाइंग डिक्लेरेशन मारो, जिसका नाम लिया है उन्होंने अरेस्ट करा, समझे? पाजी आते आगे गाल सुनाने। निशान जी, जिसका डाइंग डिक्लेरेशन है ना, अरेस्ट करो। तुझसे शांत रहो, तुझसे शांत रहो, शांत नहीं रहेगा, तुझसे शांत रहो, तुझसे शांत रहो, इनाफ इज इनाफ। आरपीजी, आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। सर्वोच्च अदालत की टिप्पणी पर आरपी सिंह की पहली प्रतिक्रिया, वर्मा को बीमारी है, अब हम बीमार भी हो गए, पूरा देश बीमार कर दिया सर। जिसको ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं उनकी आवाज कम कीजिए। निशांत वर्मा को बीमारी है, ये बात कहने का, ये बात सुनने के आदी नहीं है। हाँ नहीं है, इनको बात सुनने की, ये बात सुनने के आदी नहीं है। हम नहीं है, बदतमीजी बहुत बदतमीज है, इनको बदतमीजी करने की आदत है, इनको बात करने की सुनने की आदत नहीं है। उसको कब अरेस्ट कर रहे हो? आप तो तमीजदार हो तो डाइंग डिक्लेरेशन एक आदमी का मानो, अरेस्ट करो उस आदमी का नाम जी, जिसका नाम आदित्यनाथ है, यूपी का चीफ मिनिस्टर है, और कमलेश तिवारी ने मरने से पहले उसका जवाब आने जो देश जानना चाहता है, आरपी जी, मैंने आपसे सवाल किया था, मायावती का राज तानाशाह, अखिलेश का राज गुंडा राज, जी हाँ, सर्वोच्च अदालत ने कहा है आपका राज अराजक राज, जंगल राज। देखिए, मैंने वापस बता रहा था कि हर व्यक्ति की, जिसकी सुरक्षा का मामला है, उसका आकलन वहां की सरकारें, वहां की लोकल गवर्नमेंट। ये मेरा जवाब नहीं है आरपी साहब, उसमें एक्शन होगा। मैं आ रहा हूँ सर। अराजकता का कारण वही है ना कि किसी की हत्या हो गई, एक व्यक्ति की हत्या हो गई, कहीं कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस एजेंसी वहां फेल हुई, वहां की असेसमेंट करने में फेल हुई, परंतु उसके पीछे षड्यंत्र किस प्रकार का, वो नहीं सोच रहे आप? वो लोग कितने साल लगातार करके उस पर षड्यंत्र रचा, वो ये नहीं कि ओवरनाइट कोई काम हो गया हो, उस पर लगातार षड्यंत्र रचा गया। और इससे पूछिए कांग्रेस की सरकार ने क्या किया था, जब इनके ऊपर कहा दिया गया था, वहां से बंगाल से इनके खिलाफ फतवा जारी किया गया था। तो हमें चिंता करनी चाहिए कि आज देश में जिस प्रकार से ये नया कानून लाने की कोशिश करें कि हमारा शरीयत का कानून चलेगा, हमारे फतवे का कानून चलेगा, ये उसकी चिंता करने की जरूरत है आज। ये फतवे और शरीयत का कानून नहीं चलेगा देश में, और जो लोग फतवे और शरीयत कानून चलाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और होगी सवाल नहीं समझ पाए आरपी साहब। एके जैन साहब, पुलिस महानिदेशक जी, आप पूर्व पुलिस महानिदेशक, वो भी जुड़े हुए। जैन साहब, आप तमाशा देख और सुन रहे थे, क्या कहेंगे आप? पुलिस आखिर काम करे तो कैसे करे? नहीं, पुलिस इन सब चीजों से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये इम्पोर्टेंट मर्डर केसेस हैं, मैंने पहले भी कहा, इन सब में इनकी तह तक जाना जरूरी है, और सारी एजेंसीज मिलकर सहयोग कर रही हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि शीघ्र से शीघ्र उसकी जड़ तक पहुंचकर यूपी पुलिस इसमें पूरे मॉड्यूल को बस्ट करेगी। इनके खिलाफ गैंगस्टर्स एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। पॉलिटिशियंस क्या कहते हैं, देखिए वो अपनी जगह है, पॉलिटिक्स अपनी जगह है, जो प्रोफेशनल फंक्शनिंग है एक पुलिस की, वो अपनी जगह है। एक और बात सामने आ रही है, 5 दिन हो गए इस हत्याकांड को, क्या कातिल ज्यादा शातिर है?
पुलिस उनको जो नहीं पकड़ पा रही, आपको लगता है कातिल ज्यादा शातिर है? नहीं नहीं, देखिए कोई भी हत्या करके बैठा नहीं रहता है, इनवाइट नहीं करता है कि आप आइए हमको पकड़ लीजिए। वो अपनी जगह बदल रहे हैं, लोकेशंस बदल रहे हैं और मोबाइल्स बदल रहे हैं, मोबाइल को स्विच ऑन कर रहे हैं, स्विच ऑफ कर रहे हैं। इस सब में समय लगता है, इस सब में समय लगता है। कोई ऐसी कोई जादुई छड़ी किसी के पास नहीं होती कि आज मर्डर हुआ और 24 घंटे के अंदर एक्यूज पकड़ लिए। जब तक कि कोई डेफिनेट इन्फॉर्मेशन ना मिले, जब सटीक कोई सूचना मिलती है तब उस पर कार्रवाई होती है। एक छोटा सा जवाब आपका चाहूंगा। कमलेश तिवारी ने अपनी मौत के पहले एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर बात कही थी। उन्होंने कहा था उनकी जान को धोखा है। आपको लगता है इस डिक्लेरेशन के कोई मायने हैं? उनकी जो सुरक्षा है वो कम कर दी गई, कभी 12-14 गनर उनके साथ चलते थे, एक होमगार्ड दिया गया, तो इसे क्या समझा जाना चाहिए? आपको लगता है ये पुलिस की चूक, थ्रेट परसेप्शन जो आपकी एक कमिटी होती है स्टेट कमिटी, उसकी चूक? मैं कोई चूक नहीं मानता हूं। ये हमारे कंट्री में है कि आप कोई अनर्गल बयान दीजिए और 10-12 गनर प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि अब आपकी जान को खतरा हो गया। आप फॉरेन कंट्रीज में देखिए, क्या कभी ऐसे बयान देने वाले किसी को कोई सुरक्षा प्रदान की जाती है? कोई परमानेंटली कोई सुरक्षा थोड़ी उनके साथ में दे दी जाएगी। पुलिस का, प्रदेश का पुलिस बल सीमित है और सीमित के साथ साथ जब 2015 की घटना है, बीच बीच में आकलन हुआ होगा, ये हुआ होगा कि भाई अभी कोई खतरा नहीं है जी, तो उनकी सुरक्षा में, उनकी सुरक्षा में बयान पर सजाए मौत, एक बयान दिया जाए और उसपे सजाए मौत, मैं भी ये सही नहीं मानता। कम से कम लोकराज के लिहाज से तो ठीक नहीं। शशिकांत शर्मा साहब, जैसा कि निशांत वर्मा कह रहे थे योगी सरकार से जाकर आप मिलेंगे, अब तो एक साध्वी ने भी कह दिया कि उन्हें बम गोलों से खतरा है। छोटा सा कमेंट। नहीं, निशांत जी की बात को मैं ज्यादा महत्व देता नहीं, क्योंकि उनकी आदत है चिल्लाने की, उनकी आदत है चिल्लाने की, वो चिल्ला रहे हैं। ये डिबेट पूरा उन्हीं का हो चुका है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं, जिस तरह से हिंदू हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है उसमें मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से एक ही बात करना चाहता हूं। शशिकांत जी, सबसे शशिकांत जी, और शशिकांत जी, मेरी बहस का वक्त खत्म हो रहा है। जी हां, मेरी बहस का वक्त खत्म हो रहा है। वादा तो उत्तर प्रदेश के लोगों से किया था, उत्तम प्रदेश का। जी हां, राम मंदिर से ज्यादा अगर आप राम राज्य ला ले तो मुझे ऐसा लगता है ये वाकई उत्तम प्रदेश होगा। आप लोग देश का सवाल में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त है हेडलाइंस का। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, यहां दिल्ली में सिर्फ दो तरह के पटाखे बेचे जा सकेंगे, ग्रीन वर्जन और अनार और फुलझड़ी ही बेचे जा सकेंगे। दुकानदारों के लिए ये एक अहम गाइडलाइन। बिना QR कोड वाले पटाखों की बिक्री पर होगा एक्शन। पटाखों पर सरकारी स्टैंप नहीं होने पर भी होगी कार्रवाई। बड़ा गाइडलाइन, रोशनी और पटाखों के त्योहार दीपावली के पहले। जी हाँ, दीपावली के पहले ये बड़ी गाइडलाइन, सुप्रीम अदालत की गाइडलाइन, पर्यावरण को साफ बनाए रखने के लिए ये बड़ा फैसला, बड़ी गाइडलाइन, बड़े दिशा निर्देश सुप्रीम अदालत द्वारा। सबसे बड़े त्योहार पर रोशनी और पटाखों के त्योहार दीपावली के पहले ये बड़ी गाइडलाइन। बिना QR कोड वाले पटाखों की बिक्री पर एक्शन होगा। सरकारी स्टैंप नहीं होने पर कार्रवाई भी होगी। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, जी हां, सावधान। पटाखों को खरीदने के पहले आप भी ये सुनिश्चित करें कि सुप्रीम अदालत ने जो गाइडलाइन दी है, जो दिशा निर्देश है, क्या दुकानदार उसका पालन कर रहे हैं। जी हां, त्योहार की रौनक तभी होगी जो गाइडलाइन दी गई है। इस पर आप भी पटाखे खरीदते वक्त ये कोशिश करें कि जो गाइडलाइन है उसके अंतर्गत ही वो दुकानदार पटाखे बेच रहा है या नहीं। अनार और फुलझड़ी ही बेच सकेंगे दुकानदार, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन। बिना QR कोड वाले पटाखों की बिक्री पर होगा एक्शन। जी हां, एक्शन हो उससे पहले आप अपनी नैतिक और निजी जिम्मेदारी समझते हुए कोशिश करें कि जब भी आप दुकानदार से पटाखे खरीद रहे हैं तो
तो ये गाइडलाइन का ध्यान रखें। दीपावली के पहले इस बड़ी खबर के साथ अब वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा, आंख कान खोल के।